फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉपिक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी डेंड्रफ एजेंट इन शैम्पू प्रिपरेशन इज ऑप्शन ए डाइसोडियम एडिटेट, ऑप्शन बी सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी लेनोलिन एंड ऑप्शन डी लावसोनिया अल्बा। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सेलेनियम सल्फाइड। फ्रेंड्स, अगर हम हेयर शैम्पू प्रिपरेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एंटी डेंड्रफ एजेंट, यानी ऐसे एजेंट्स जो डेंड्रफ होने से प्रिवेंट करें, और उनके एग्जांपल है सेलेनियम सल्फाइड जो कि एक केटाइनिक सर्फेक्टेंट है। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल रहेंगे आपके जिंक पाइरिडिनियम थायोल एन ऑक्साइड, जिसको हम ZPTO भी बोलते हैं। इसके अलावा जिंक अंडेसिलेनेट एंड बिथिनॉल, ये सारे ही एंटी डेंड्रफ एजेंट के रूप में रहेंगे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अदर एजेंट्स देखते हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका हेयर कंडीशनर। दीज मेक लस्टर्स एंड सॉफ्ट हेयर एंड एग्जाम्पल्स आर लेनोलिन एंड मिनरल ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं रूबी फेशिएंट, इट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ एंड एग्जाम्पल्स आर रिसोर्सिनोल एंड कैप्सिकम। इसके अलावा जो आपका रहेगा इमोलियंट, और उसके एग्जाम्पल है ग्लिसरीन, जो कि जनरली 2-5% यूज में लिया जाता है हेयर शैम्पू प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड्स, हीना इज ड्राइड पाउडर ऑफ लीव्स ऑफ लावसोनिया अल्बा। जो लावसोनिया अल्बा, इसका बोटेनिकल नेम है हीना का, जिसे हम हिंदी में मेहंदी का पाउडर भी बोलते हैं, और ये सोजत की फेमस है। फ्रेंड्स, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है लावसोनिया एंड इट इज़ यूज्ड एज नेचुरल हेयर कलरिंग एजेंट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में इनको भी आप ओपन करके देख सकें अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज टू रिमूव हेयर इज कॉल्ड ऑप्शन ए डेपिलेटरीज, ऑप्शन बी फाउंडेशन क्रीम, ऑप्शन सी रगी एंड ऑप्शन डी मस्कारा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जो कि हेयर को रिमूव करने में काम आती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि डेपिलेटरीज। फ्रेंड्स, डेपिलेटरीज आर प्रिपरेशन यूज टू रिमूव हेयर फ्रॉम बॉडी। इसी तरीके से अगर हम देखें फाउंडेशन क्रीम इज यूज टू अप्लाई ऑन फेस आफ्टर क्लिंसिंग टू प्रोवाइड ए स्मूथ इमोलियंट बेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ फेशियल मेकअप। जब कभी भी लेडीज फेशियल मेकअप करती है तो उससे पहले फेस के ऊपर फाउंडेशन क्रीम लगाती है, जिससे कि जो आपका फेशियल मेकअप है वो स्मूथली अटैच हो जाए। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि रगी एंड दीज आर प्रिपरेशन अप्लाइड टू चिक्स फॉर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ फेस। ये गालों पे लगाई जाने वाली प्रिपरेशन है, जिससे कि फेस की ब्यूटी ज़्यादा इंक्रीज होए। एंड लास्ट मस्कारा की बात करें तो दीज आर ब्लैक पिगमेंट प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द आई लेसेस और आईब्रो टू ब्यूटीफाई आई, यानी आई को ब्यूटीफाई करने के लिए आई लेसेस या आईब्रो पे जो ब्लैक पिगमेंट प्रिपरेशन लगाई जाएगी उसे हम मस्कारा कहेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। द मेन सर्फेक्टेंट नेचर यूज्ड इन शैम्पू आर जनरली ऑप्शन ए एनायनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी
cationic surfactant, ऑप्शन सी नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि एन आयनिक सर्फेक्टेंट। फ्रेंड्स एन आयनिक सर्फेक्टेंट हैव गुड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, एन आयनिक सर्फेक्टेंट से अच्छे जाग पैदा होते हैं, सो दीज आर मेनली यूज इन शैम्पू, इसलिए इसे शैम्पू में ज़्यादा यूज में लिया जाता है। जबकि केटायनिक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस इरिटेशन, सो दिस कैन बी यूज ओनली इन कंडीशनर, ये मेनली कंडीशनर में ही यूज लिए जाते हैं। एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैव गुड क्लिनसिंग एक्शन बट नॉट प्रोड्यूस फॉर्म, इसी कारण इनको हम जनरली शैम्पू की प्रिपरेशन में काम में नहीं लेते हैं क्योंकि इनसे जाग नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे चैनल के लिंक को ओपन करके सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इन लिपस्टिक प्रिपरेशन ब्रोमो मिक्सचर इज यूज टू, ऑप्शन ए डिस्पर्सिंग इनसोल्यूबल पिगमेंट्स, ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ हाई स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी टू मॉडिफाई सेट्स ऑफ बेसिक पिगमेंट्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स लिपस्टिक प्रिपरेशन में ब्रोमो मिक्सचर किस लिए यूज किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ हाई स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स अगर हम लिपस्टिक की बात करें तो दीज आर मोल्डेड स्टिक यूज टू मेक लिप्स अट्रैक्टिव बाई इम्पार्टिंग कलर्स टू इट, ये जनरली लिप्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मोल्डेड स्टिक के रूप में होते हैं और ये इम्पार्ट करते हैं कलर। फ्रेंड्स वैक्सेज आर यूज टू अचीव डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। सेकेंड हम इंग्रेडिएंट देखें तो ऑयल्स, एंड दीज आर यूज फॉर डिस्पर्सिंग इनसोल्यूबल पिगमेंट्स, डिजोल्विंग ईओसिन डाइज एंड प्रोवाइड थिन लेयर टू लिप्स, ये इनकी वजह से लिप्स के ऊपर एक थिन लेयर प्रोवाइड होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रहेगा आपका इंग्रेडिएंट वो है ब्रोमो मिक्सचर, एंड ब्रोमो एसिड लाइक टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन इज यूज्ड व्हेन ए प्रोडक्ट हैविंग हाई स्टेनिंग प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड, जब कभी भी हमें ज़्यादा स्टेनिंग प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसके अंदर ब्रोमो एसिड जैसा कि टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन को यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका रहेगा कलर मिक्सचर्स लाइक इंसोल्यूबल डाइज एंड लेक कलर्स, इसके अलावा कलर मिक्सचर में ही हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं जिससे कि बेसिक पिगमेंट की शेड्स को हम मॉडिफाई कर सकें। तो चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएशन टेस्ट यूज फॉर लिपस्टिक आर, ऑप्शन ए ड्रूप पॉइंट टेस्ट, ऑप्शन बी ब्रेकिंग पॉइंट टेस्ट, ऑप्शन सी पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ऑल। फ्रेंड्स अगर हम लिपस्टिक के इवेल्युएशन टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर होता है ड्रूप पॉइंट टेस्ट, एंड इट इज टेम्परेचर एट विच लिपस्टिक स्टार्ट्स ओजिंग आउट ऑयल और फ्लैटन आउट फ्रॉम विद इन द केस इज कॉल्ड ड्रूप पॉइंट, यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिपस्टिक खुद ऑयल को ऊज आउट करने लग जाए यानी कि ऑयल को बाहर निकालने लग जाए या फिर जो उसका केस जिसके अंदर वो फिट है वहाँ से फ्लैटन आउट होकर बाहर की तरफ आने लग जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्रूप पॉइंट टेम्परेचर। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेकिंग पॉइंट टेस्ट, एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ लिपस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट, फ्रेंड्स इट इंडिकेट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिपस्टिक। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज नोटेड बाई पेनिट्रेटिंग ए नीडल ऑफ स्पेसिफिक डायमीटर, एक स्पेसिफिक डायमीटर की नीडल लेके उसके अंदर हम पेनिट्रेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी गहरी वो नीडल इंसर्ट हुई है, उसके आधार पे हम पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट ऑफ फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसी तरीके से लिप साल्व्स के बारे में तो दीज डू नॉट कंटेन कलर्स एंड फॉर्म एन एडहेरेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंट फिल्म्स ऑन लिप्स, ये एक प्रकार से मॉइस्चर रेजिस्टेंट फिल्म बनाएंगे लिप्स पे जिससे कि लिप्स की ड्राइनेस नहीं आए, एंड दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट लिप फ्रॉम ड्राइंग ड्यूरिंग विंटर, जैसे कि लिप गार्ड हम यूज में करते हैं जिससे कि सर्दियों के समय में हमारे लिप्स ड्राई नहीं हो और उनके ऊपर मॉइस्चर बनी रहे, तो उस ऐसी प्रिपरेशन को हम लिप साल्व्स कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका लिप गार्ड। फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का,
The golden question of this video is, lip gloss is option A, transparent lipstick which gives shine to lips. Option B, liquid applied after lipstick to make it more adherent to lips. Option C, lipstick used in winter to protect lips from dry weather. Option D, liquid lipstick used to color lips. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।